योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहीं जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं सीएम योगी ने सबकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें तो जनता दरबार में पहुंचे योगी आदित्यनाथ और यहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे, जो फरियादी पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी समस्याएं जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के सामने रखी है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ हालांकि कोरोना काल में बहुत ही कम जनता दरबार लगा है, लेकिन कोरोना काल से पहले हर सप्ताह जनता दरबार लगाते थे, जनता की समस्याओं को सुनते थे और इससे कहीं ना कहीं गोरखपुर की जनता को बेहद लाभ होता था। इसके अलावा सिर्फ गोरखपुर ही जनता ही नहीं, आसपास के जो ज़िले हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ से भी फरियादी पहुँचते थे और योगी आदित्यनाथ को लिखित में या मौखिक रूप पर अपनी समस्या से अवगत कराते थे, जिसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान योगी आदित्यनाथ देते थे और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते थे कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए और जिनका निवारण तुरंत होना है उनका निवारण तुरंत किया जाना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे से योगी मुनव्वर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुनव्वर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है बहुत दिनों बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया? जी काजल, मैं बताना चाहूंगा कि आज व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद जो है सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और दूर दराज से फरियादी भी आए, चूंकि आज पीएम का भी यहाँ प्रोग्राम है तो इसको देखते हुए फरियादियों की जो तादाद थी वो भी सीमित तादाद थी, लेकिन दूर दराज से बहुत से फरियादी आए और उनकी फरियाद सुनी गई और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश सीएम योगी ने दिया। ठीक है जी, बिल्कुल मुनव्वर, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल से पहले हर सप्ताह जनता दरबार लगाते थे, इससे जनता को बेहद लाभ पहुंचता था और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं वहां से भी फरियादी पहुंचते थे और अधिकारी भी कहीं ना कहीं एकदम मुस्तैद रहते थे। काजल, मैं ये बताना चाहूंगा कि सैटरडे और संडे अमूमन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम, सीएम का कार्यक्रम होता है और वो मंदिर में जनता दरबार लगाते हैं और ये दरबार हर हफ्ते लगा, कोरोना काल में भी कभी कभार जो है वो जनता दरबार लगा और फरियादियों से उनका जो प्रार्थना पत्र है लिया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस पे त्वरित कार्रवाई हो। बहुत से ऐसी भी फरियादी आए जो दो तीन मरतबा आए उसको जो है देखते हुए अधिकारियों को कभी कभार योगी आदित्यनाथ जी ने फटकार भी लगाई कि क्यों नहीं निस्तारण हुआ। तो कुल मिला के ये जनता दरबार एक तरीके से जनता के लिए बड़ा वरदान है। बिल्कुल मुनव्वर, और आज जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनमें से सबसे ज्यादा समस्याएं क्या थी? हेलो मुनव्वर, आवाज आ रही है मेरी? ग्रामीण 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 अंचलों से, ग्रामीण अंचलों से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादातर यहाँ आ रही हैं, जैसे कि जमीनों से जुड़े हुए मामले और भी इस तरह के मामले ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं और चूंकि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर मंडलायुक्त या कमिश्नर डीएम के वहाँ जो है अपनी फरियाद देते हैं और लगभग उनका